नहीं नहीं वो सर के कैबिन में उनसे बातचीत हो रही है। चंकी जी बैठे थे सर के कैबिन के बाहर, मैं और वो साथ में बैठे थे। अरमान कोहली का नाम, उनके फादर 93 इयर्स के हैं, अरमान कोहली के फादर, तो बहुत सीरियस हो गए, तो मैंने इनको इन्फॉर्म किया, तो मुझे समझने के लिए बुलाए थे कि उनके फादर को क्या हुआ। अच्छा, बाकी कोई पूछताछ या नहीं? नहीं, अरमान कोहली के नहीं। अच्छा, आपको चंकी पांडे भी बाहर मिले, वहाँ बैठे? जी बाहर बैठे थे अंदर? नहीं भैया, साहब के बाहर बैठे। सेंटर में? आपका पूरा नाम बता दीजिए। बाबू भाई कांचा। कौन बैठे थे? कौन बैठा था? चंकी जी बैठे थे सर के कैबिन के बाहर, मैं और वो साथ में बैठे थे। लेकिन अनन्या जी, वो वानखेड़े सर के साथ। तो आपको कोई समन नहीं किया गया था ड्रग्स के केस से जुड़े बातचीत? नहीं नहीं नहीं, मैं पर्सनली फादर जो बीमार हुए, बहुत ज्यादा ही बीमार है, तो मुझे उनको बताना था। अरे बूम नीचे ला, तो फिर मैं उनको दिया गया था सर। नहीं नहीं, बता रहे, मुझे कोई रिलेशन नहीं है इससे, सॉरी। हो गया आपका सर? ठीक है, दो चीजें आप यहाँ पर आए अंदर। अरे क्या चंकी पांडे, चंकी पांडे वहाँ पर मेरे साथ हम लोग सब लोग वहाँ पे जो चेयर थे वहाँ बैठे थे, और बहुत अच्छे से बैठे थे, कुछ तकलीफ नहीं था। कुछ नहीं कह रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किए, और कुछ नहीं। उनकी बेटी भी? अच्छा, बाहरी बेटी? नहीं नहीं, वो सर के कैबिन में थी, उनसे बातचीत हो रही है। एक और चीज़ है, कोई जो गुटखा खाए इधर यार, मैंने बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या कभी आप लोग कभी सर सेंटर लुक सर यहाँ पे देखिए सर कैमरा पे देखिए कैमरा लुक कभी अरमान कोहली ने शेयर किया चंकी पांडे परिवार को लेके? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी। अच्छा, अरमान कोहली और शाहरुख खान भी काफी अच्छे दोस्त हैं। जी जी, कभी आप लोग के कभी अरमान कोहली ने आपसे कभी शेयर किया आप सर यहाँ पे देखिए पहला कैमरा इस ड्रग्स को लेकर जब कोई बात? नहीं नहीं, कभी भी मुझे पता ही नहीं था। मैं तो इस फिल्म इंडस्ट्री का हूँ नहीं, तो मेरा कोई ज़्यादा मुलाकात, मैं तो उसके बचपन का दोस्त हूँ, तो उसी नाते मैं मिलता जुलता हूँ उनके पार्टी में। आज क्यों बुलाया था आपको? मैंने खुद उनको रिक्वेस्ट किया था सर को एनसीबी ऑफिस में कि अरमान के फादर बहुत सीरियस हो गए हैं, तो मैं क्या करूँ वगैरह, तो बोले मुझे आके बताओ, तो फिर मैं आया था बताने के लिए। क्या कोई जवाब दिया गया समीर वानखेड़े ने, क्या आपको जवाब दिया कोई आश्वासन? जी जी नहीं, मुझे आश्वासन नहीं, मैंने तो उनको इन्फॉर्म किया कि उनके फादर का है। उनका रिप्लाई क्या था? तो उन्होंने जानकारी मुझसे ले ली, बस मुझे उनको जानकारी देनी थी। ठीक है, थैंक यू।